वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं एक और नया डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ जो कि बॉर्डर का डिज़ाइन है। बहुत ही प्यारा है और बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। इसको हम किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस डिज़ाइन के बारे में। इस बॉर्डर के डिज़ाइन के लिए हमें 3 के मल्टीपल फंदे लेने हैं। 3 से गुना होने वाले फंदे लेने हैं। 3 3 का जोड़ मतलब हमने फंदे लेने हैं और सीधी साइड से ये शुरू होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक फंदा बिना बुने उतारेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा। इसी तरह से हम अपनी पहली रो कंप्लीट करेंगे। 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 2 ये और 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा। इसी तरह से फ्रेंड्स, हम सीधी तरफ से अपनी पहली रो कंप्लीट करेंगे। बहुत ही सुंदर है ये वाला डिज़ाइन, स्ट्रेचेबल आता है पूरा। ये देखिए, यहाँ पे 1 2 फंदे सीधे हमारे, 1 फंदा उल्टा और आगे देखिए 2 फंदे सीधे। इनको हम सीधा बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब उल्टी तरफ से आ जाइए दूसरी सिलाई पैटर्न की। यहाँ पे पहला फंदा हम ऐसे उतारेंगे, 1 फंदा उल्टा बना लिया, यहाँ पे 1 ही फंदा बचा हुआ है, 1 फंदा सीधा बना लेंगे जो हमने सीधी साइड से उल्टा बनाया था। आगे देखिए, धागा अपनी तरफ किया, जो ये 2 फंदे हैं इनमें से हम दोनों को एक साथ इकट्ठा बुनेंगे इस तरह से, लेकिन यहाँ पे ये इस तरह से 1 ही फंदे को हम छोड़ेंगे और दूसरे फंदे को फिर से बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से धागा नीचे करेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदों को जो हमारे उल्टे फंदे हैं 2 फंदों को एक साथ इकट्ठा बुना इस तरह से, लेकिन 1 फंदे को ही स्लिप करेंगे जो इस तरह से, देखिए आगे का फंदा है इसको स्लिप किया, जो पीछे वाला फंदा है इसको हम एक बार दोबारा से बुनेंगे इस तरह से। धागा नीचे करेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर से देखिए उल्टी तरफ से इस तरह से हमारी सारी सिलाइयाँ इसकी बनेंगी। 2 फंदों को एक साथ बनाया जो हमारे उल्टे फंदे हैं, इसमें से आगे वाले फंदे को स्लिप कर देंगे, छोड़ देंगे, जो पीछे वाला फंदा है उसको फिर से हम दोबारा से बुनेंगे, 1 फंदा सीधा। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, पहले वाले फंदे को इस तरह से स्लिप करेंगे और 1 फंदे को बाद में फिर से बुनेंगे। धागा नीचे करेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे और 2 फंदे जो उल्टे हैं हमारे उल्टी तरफ से, इनको हम एक साथ इकट्ठा बुनेंगे ऐसे, देखिए, और फिर जो आगे वाला फंदा है इसको स्लिप कर देंगे और जो पीछे वाला फंदा है उसको एक बार फिर से बुनेंगे इस तरह से। धागा नीचे करेंगे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे इस तरह से, आगे वाले को स्लिप करेंगे, पीछे वाले फंदे को हम फिर से बुनेंगे उल्टी तरफ को। ये देखिए, 1 फंदा सीधा, 2 फंदों को एक साथ बुना, आगे वाले फंदे को छोड़ेंगे और पीछे वाले फंदे को फिर से बुनेंगे, 1 फंदा सीधा बनाया और 2 फंदों को एक साथ बुन के आगे वाले को स्लिप किया और 1 फंदा फिर से बुना।
तो इसी तरह से हम, ये देखिए जो दो फंदे हैं इनको हम इस तरह से इकट्ठा बना लेंगे। आगे वाले को स्लिप किया और पीछे वाले को फिर से बुनेंगे और आज के फंदे को हम सीधा बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यही टू रो हमने रिपीट करते जाना है। आगे सीधी तरफ से फिर से वही करेंगे, दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा, इस तरह से हम बनाएंगे। ये देखिए, दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे एक फंदा उल्टा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको इसको बना के फिर दिखाती हूँ हमारा ये बॉर्डर किस तरह से बनेगा। थोड़ा सा ऊपर करके बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा बॉर्डर डिजाइन बन के आया, कितना सुंदर लग रहा है। देखिए अलग सा बॉर्डर डिजाइन है और इतना ऐसे देखिए स्ट्रेचेबल टाइप का आता है, बहुत ही अच्छा बन रहा है। किसी भी प्रोजेक्ट में इसको आप डाल लो, अगर बच्चों के लिए पूरी स्वेटर पूरे प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हैं। ये सीधी साइड से हमारा इस तरह से है और उल्टी साइड से देखिए इस तरह से बन के आएगा, बहुत ही प्यारा है दोनों साइड से। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा डिजाइन पैटर्न अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। मिलती हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।